हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब, मैं हूँ फराह खान। आज हम अपने किचन बनाएंगे चिकन तंदूरी, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, चिकन तंदूरी का मसाला, सोया सॉस, टमाटर सॉस, नमक, नींबू, देखिए, और मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और मिर्च को हमने पेस्ट बारीक पीस लिया है। ये हमने जो चिकन धोकर रखा था, इसको अच्छे से नमक और नींबू के पानी से हमने धो लिया था, उसके अंदर ये हमने सब लगभग डाल दिया है। हमने 4 से 5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाली है इसके अंदर। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चिकन के ऊपर। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 और 2 टीस्पून, आपको जिस तरह से तीखा पसंद हो। पर रेड मिर्च, रेड चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ करें और ग्रीन चिली थोड़ी कम यूज़ करें, क्योंकि हमें उसमें रेडीनेस चाहिए। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी 1 चम्मच। अब इस और अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, कम से कम 2 से 3 टीस्पून डालेंगे हम उसके अंदर धनिया पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 चम्मच नमक। ये देखिए, सब तरफ पूरा मसाला फैलाना है हमें अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तंदूरी, चिकन तंदूरी का मसाला, एवरेस्ट चिकन तंदूरी का मसाला। देखिए, ये जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको हमने कम से कम 2 से 3 टीस्पून हमें इस पर स्प्रेड करना है, जैसा आपको ठीक लगे। कम स्पाइसी पसंद हो तो 2, और अच्छा हो तो ये। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। ये देखिए, 2 टीस्पून हमने लेमन जूस अच्छे से डाल दिया, मतलब एक आधा नींबू हमने अच्छे से निचोड़ दिया उसके अंदर। ये हमने लिया है 7 से 8 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और मैदे का कॉम्बिनेशन। ये हम इसमें 4 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे मैरिनेट करने के टाइम पे ही। देखिए, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे स्पैचुला या तवीथा, जो भी बोल सकते हैं उसे, उसकी मदद से। और ये इसको टर्न करते जाएंगे, ये अच्छे से मिलाइएगा। सब पूरा, सब बोन्स पे, सब पे लग जाना चाहिए, पूरी जितनी भी बोटियाँ हैं हमारी गोश्त की, उसके ऊपर। ये देखिए, ये अच्छे से हम इसको ऐसे चम्मच से मिलाते जाएंगे, चारों तरफ से मिलाकर ऐसे स्प्रेड भी करते जाएंगे स्पैचुला से, ये इस तरह से। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इसके अंदर डालेंगे, देखिए ये अच्छे से हमने ये स्पून वगैरह भी मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 स्पून टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप जो होता है वो आपके पास अवेलेबल हो बॉटल में तो आप 2 से 3 स्पून, और अगर पाउच में हो तो एक छोटा सा पाउच। मेरे पास पाउच अवेलेबल था तो मैंने पाउच डाला है। अब ये हम डालेंगे 2 से 3 स्पून सोया सॉस इसके अंदर, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टा भी हो जाए ये, और इसमें कलर भी आ जाए थोड़ा सा रेडिश पन पे। ये देखिए, हमने 2 से 3 स्पून हम सोया सॉस डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे अब फूड कलर। ये देखिए, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज रेड जो फूड कलर मार्केट में अवेलेबल है, हम वो डाल रहे हैं उसके अंदर, ताकि इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा, बिल्कुल मार्केट में मिलता है, बिल्कुल एज इट इज़ दिखने, लुक वाइज ऐसा ही दिखे जब वो हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए, मैरिनेट करते टाइम ही हमें उसके अंदर कलर, फूड कलर भी मिक्स कर देना है। ये अच्छे से चारों तरफ, और उसमें घुटली नहीं होना चाहिए फूड कलर में। ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके एक जैसा, और फिर डाल दें। ज़्यादा पुराना फूड कलर नहीं हो, आप हो सके तो आप बाज़ार से न्यू फूड कलर ला के डालिए, क्योंकि जो फ्रेश फूड कलर रहते हैं उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वो इतने अच्छे से कलर नहीं देते। ये देखिए, हमारा सब कुछ मिक्स हो चुका है हमने हाथ से। अब हम इसको एक छलनी के अंदर रख देंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी, जो चिकन छोड़ेगा एक्स्ट्रा पानी, बिल्कुल वो तलने में नहीं होना चाहिए। तो हम उसको एक बाउल के ऐसे छलनी के अंदर, एक प्लेट के अंदर करके रख देंगे, ढक के उसको कम से कम एटलीस्ट हम 2 घंटे रखेंगे मसाला चढ़ने के लिए। ये देखिए, हमने ऑयल गर्म करने रख दिया है। अब उसके अंदर हम फ्राई करेंगे इसको, पहले तेज़ आंच पर हमें इसको डाल देना है, फिर जब एक तरफ से थोड़ा सा हल्का सा होने लगे फिर उसको पलट देना है। देखिए, हमारा हल्का सा हो रहा है, कम से कम एक बार में 5 से 6 बोन्स डालें और हम पलट देंगे। अब ये देखिए, हमारा लगभग तैयार हो चुका है, तलने आ गया है हमारा ये चिकन। इसको चलाते रहना है कंटिन्यू, अंदर कढ़ाई में ना चिपके इस बात का ध्यान रखना है हमें, ये इस तरह से चलाते रहना है और सब पोटियों को बार बार देखते रहना है। ये देखिए, हमारा चिकन बिल्कुल तल के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और फिर इसको देखिए, ये सब बोटियाँ एक जैसी तलनी चाहिए। ये देखिए, लगभग हमारा चिकन तैयार है।
आइए हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए हमने सर्विंग प्लेट में निकाल चुके हैं हम इसे। ये हमारा लजीज चिकन तंदूरी तैयार है, बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में, और बहुत जल्दी और बहुत परफेक्टली और बहुत इजी तरीके से इसको बनाना बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, हर जनरेशन की लड़की बना सकती है। और ये देखिए हमने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी और ऑनियंस और नींबू के साथ, और आप चाहें तो इसे टमाटर सॉस और शेजवान चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता हो। तीखा चाहिए तो शेजवान चटनी बनाइए, नहीं तो ये ग्रीन चटनी और ऑनियन और लेमन को ऑनियन के साथ और नींबू नमक स्प्रेड करके बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।